नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा इस हफ्ते से और इस रिजल्ट सीजन में मेरी 6 स्टॉक्स पे नजर है जहां पे रिजल्ट्स के चलते मुझे लगता है बड़ा एक्शन हो सकता है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो ये स्टॉक यहां से 10-15% अपसाइड डेफिनेटली दिखा सकते हैं। कोई स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनियां नहीं है, दिग्गज कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, इसलिए 10-15% की बात कर रहा हूं। ज्यादा आ जाए अच्छी बात है, लेकिन जितनी उम्मीद हो उससे कम रह जाए तो फिर दिक्कत होती है। और इनमें से एक स्टॉक, दो स्टॉक ऐसे हैं, दो ऐसे हैं जिनके रिजल्ट स्पेशली क्लोजली वॉच करूंगा, क्योंकि थोड़ा भी डेंट पड़ा यानी हल्के भी खराब नंबर आए तो 10-15% क्रैश होना पक्का है, सिंगल डे में पक्का है भाई साहब। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना बिना किसी देरी के। पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों टाइटन, ये है डू डाई वाला स्टॉक। टाइटन के रिजल्ट्स पहले मैं आपको Q4 यानी क्वार्टर 4 के बताना चाहूंगा। रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स के बाद शेयर एग्जैक्टली 8-9% क्रैश हुआ था। हमने वीडियो भी बनाई थी जब हमने कहा था ये खरीद लीजिए भाई साहब, 3250 रुपए है, 3500-3650 के टारगेट है, अगले 3 महीने में मिल जाएगा 10-15% का रिटर्न। स्टॉक ने विद इन 2 वीक्स आपको 3500 का भाव दे दिया था तो पैसा बन गया था, लेकिन अभी घटकर वापस से एग्जैक्टली लो पे आ गया 3269। और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की माने तो वो ये कह रहे हैं कि टाइटन सुस्त नंबर पेश कर सकता है क्योंकि ज्वेलरी सेगमेंट में मार्जिन कम आ रहे हैं इस समय गोल्ड में, तो इसके चलते थोड़े नंबर कम आ सकते हैं, प्रॉफिट कम हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो टाइटन 2900 जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो टाइटन अगर 2900 रुपए हो गया, देखो पूरी स्ट्रेटजी खत्म नहीं हुई है अभी, अगर टाइटन के दो अगर आ जाते हैं, जब अगर हो तो ध्यान से सुना करो, बस इतना कहूंगा मैं, अगर यानी कि इफ होगा नहीं होगा पता नहीं, अगर नंबर खराब आते हैं तो 2900 हो जाएगा। और मैं अपने व्यूअर्स से क्लियर कट बोल रहा हूं कि 2900 रुपए पे बिना किसी से पूछे, बिना कुछ सोचे समझे खरीदना, बिना कुछ सोचे समझे, डर का माहौल होगा लेकिन उठाना। और अगले 3 महीने में 3300 रुपए का लक्ष्य रखना, नहीं आएगा तो डरना मत। 6 महीने में 3500 रुपए का लक्ष्य रखना, नहीं आएगा तो डरना मत। 9 महीने में 3600 रुपए का लक्ष्य रखना और पक्की बात है कि आपका पैसा विद इन 9 मंथ ऑलमोस्ट 20% बनेगा। अब अगर आपको 20% कम लगता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में एसेट का नाम बताना जो 20% 9 मंथ में देता हो। साल में बैंक 5% दे रही है, FD 7% दे रही है ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे, बॉन्ड 7-9% दे रहा है और कोई बचा ही नहीं जो इससे ज्यादा दे रहा है, ठीक है जी। ETF भी अगर आप देखो तो 10-12% ही दे रहे हैं, 20% वो भी 9 महीने में बहुत मुश्किल से मिलता है। क्वालिटी कंपनी है तो आपका भरोसा ऑटोमेटिकली रहेगा, ये मेरी तरफ से टाइटन पे भी। और नंबर अच्छे आ गए तो चिल मारो, जिन्होंने ले रखा है वो पैसा बना लेंगे, रिजल्ट से पहले नहीं करना। हमारा ट्रेड तब बनेगा जब रिजल्ट खराब आएंगे, शेयर टूटेगा, हम खरीदेंगे फिर पैसा बनेगा। होप क्लियर हो गई होंगी चीजें। अगला है टाटा LXI। दोस्तों इसमें एक ही चीज करनी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए बता रहा हूं, नंबर अच्छे आ गए प्रॉफिट एंजॉय करना, बुक मत करना, नंबर खराब आ गए तो एवरेज करना। और फ्रेश एंट्री के लिए मैं अभी यहां पे कोई राय नहीं दूंगा, रिजल्ट्स के बाद वीडियो बनाऊंगा तभी लेंगे। इसमें इतना ही सिंपल सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, 10 जुलाई को नंबर है, ठीक है जी। तो ये हो गई आपके लिए बात टाटा LXI पे। अगला है डीमार्ट। दोस्तों इसके अपडेट तो ठीक थे, टेक्निकल कह रहा है ऊपर जाऊंगा, अगर नंबर खराब आ गए तो टेंशन है, अदरवाइज इसमें मेरे को लगता है प्री रिजल्ट और पोस्ट रिजल्ट आप खरीदोगे तो पैसा बनेगा तेजी की तरफ। मेरे को लगता है स्टॉक 5200 की जर्नी तय करने के लिए तैयार है, तो ये मेरा व्यू उस पर पॉजिटिव है। और मैं इसमें रिजल्ट के बाद नहीं, रिजल्ट से पहले सोच रहा हूं कि एक्शन होना चाहिए, तो ये आपके लिए डीमार्ट है। बाकी डीमार्ट पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, फ्रेश एंट्री थोड़ा रिस्की हो सकती है, फ्रेश एंट्री बाकी की जगह देखिएगा आप। HEL, ये स्टॉक आपको याद दिला दूं, लास्ट क्वार्टर जो नंबर आए थे ना वो बहुत ही दमदार थे, डबल मार्जिन डबल प्रॉफिट। अब क्या उसको कॉम्पीट कर पाएगा, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिक्कत आ गई तो 10-15% टूटेगा, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा हो गया तो कोई नहीं रोक सकता 6,000-6,500 जाने से। तो ये स्टॉक बड़े एक्शन में रहेगा, करना कुछ नहीं है, केवल और केवल अपडेट है, बड़ा एक्शन दिखाएगा रिजल्ट्स के बाद। अब आते हैं दोस्तों अगले स्टॉक पे जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे को उड़ना है,
बस मेरे को कोई ट्रिगर मिल जाए, वो है मिड कैप आईटी का स्टॉक बी सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट। यहां मैं कहूंगा कि आप चाहो तो पोजीशन ले सकते हो और है तो होल्ड कर सकते हो। 714 रुपए पे 714, इवेंचुअली 780 तक की जर्नी देख रहा है ये स्टॉक, बस इसको ट्रिगर चाहिए। रिजल्ट अच्छे आएंगे तो मिल जाएगा ट्रिगर। छोटा सा स्टॉप लॉस दूंगा जिन पे है और जो लेने जा रहे हैं, 685 का, 30 रुपए का स्टॉप लॉस है, वैसे तो छोटा नहीं है, लेकिन इस स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में आप पोजीशन बनाएं, देन डेफिनेटली ये स्टॉक अगर उड़ा तो 780 से पहले नहीं रुकेगा। तो ये हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़े लंबे समय से स्टॉक धक्के खा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, और ये IRCTC, इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी कह रहा है कि मेरे को ऊपर जाना है। नंबर खराब भी आ गए ना तो भी गिरेगा तो टिकेगा नहीं, गिरावट में ऊपर आ जाएगा, और मेरा मानना है 1100, 1150 और 1200 रुपए जाएगा ये स्टॉक। ये फ्रेश एंट्री भी आप चाहो तो इसमें ले सकते हो। नंबर खराब आ जाए, गिर जाए तो किस्मत समझना और होल्ड करना, समय देना, पैसा बनेगा। स्टॉप लॉस है 985 का, 1026 की क्लोजिंग है, 1100, 1150, 1200 के लक्ष्य है। ये मेरी तरफ से 6 स्टॉक्स पे अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।